गैलेक्सी S21 Fe फाइनली भाई दिखा दिया गया है, शोकेस कर दिया गया हमारे को और इंडिया में भी बहुत जल्दी आने वाला है। सैमसंग की वेबसाइट के ऊपर अभी एक इंटरेस्ट वाला पेज आया था तो मैंने उसमें मस्त रजिस्टर कर दिया ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द उसकी भाई एकदम अनबॉक्सिंग वाली वीडियो दे दूं, होप सो, अगर वो सही रेट पर आता है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे, क्या S21 Fe जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर रहेगा जैसे कि उसका छोटा भाई रहा S20 Fe 5G वाला। अब यहाँ पे भाई काफी ज्यादा आप लोग कह सकते हो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि अगले महीने सैमसंग की S22 सीरीज आ रही है। तो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आते हो डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग पहले फोन की ना एक स्पेसिफिकेशन देख लो, एक ओवरऑल लुक देख लो, जो S21 Fe है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आप लोगों को ये देख के लग रहा होगा कि भाई ये फोन तो बाप की ज्यादा सिमिलर लग रहा है, तो हाँ ये जो गैलेक्सी S21 आया था ना कुछ उसी तरीके का फोन दिखने वाला है। एंड इसका आप लोग कह सकते हैं जो प्राइस इस टाइम पर बताया जा रहा है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि अमेजोन पे इसको लिस्ट कर दिया गया तो काफी जल्दी आ रहा है ये, बट इसका जो प्राइस बताया जा रहा है इंडिया के अंदर जो एक बेसिकली र्यूमर प्राइस कह सकते हो तो वो है अराउंड 48 से लेके 52 के बीच में। पर्सनली मुझे भी सैमसंग के फोन काफी ज्यादा पसंद, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे जो S20 FE जो इससे पहले आया था ना 5G वाला, उसका जो प्राइस था वो 50,000 ही आया था, तो इस फोन का प्राइस वही अराउंड 50-52 के आसपास आ रहा है। अगर आप देखो नॉर्मली तो ये फोन वैसे महंगा है, लेकिन इसमें एक चीज होगी बाद में थोड़े टाइम के बाद, वो ये कि इस फोन का प्राइस हो जाएगा कम। एंड ये ज्यादातर सभी फोनों के साथ होता है, लेकिन जब फोन का प्राइस होता है कम, जैसे इसके पुराने वाले भाई का हुआ था S20 FE 5G का, तो उसके बाद काफी लोगों ने उस फोन को पसंद करा, काफी लोगों ने लिया, और जब वो लाइक सेल में आया तो बहुत लोगों ने उसे फिर परचेस करा। वही सेम चीज S21 FE के साथ भी हो सकती है। प्राइसिंग के मामले में सैमसंग हमेशा अपने फोन के प्राइस थोड़े से हमेशा ज्यादा रखता है। एंड ये चाहे आप बजट में देख लो, मिड रेंज में देख लो, किसी में भी देख लो, सैमसंग थोड़े से फोन के प्राइस ज्यादा रखता है। डिस्प्ले जो मिलती है फोन के अंदर 6.4 इंचेस की 120 हर्ट्ज की एंड 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट वाली है। एंड ये ऑफ कोर्स सैमसंग है तो इसमें एमोलेड डिस्प्ले होगी। एंड सैमसंग की डिस्प्ले भाई मैं तो बहुत ज्यादा दीवाना हूं पर्सनली, मेरे को बड़ी ज्यादा पसंद आती है। एंड ऊपर से इसमें जो प्रोटेक्शन लगाई गई है वो है कॉर्निंग गोरिल्लास विक्टस की। अब देखो एक फीचर जो है इसका थोड़ा अजीब लगेगा वो है इसके अंदर जो बैक साइड है वो आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी, लेकिन जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का है। काफी सारे सैमसंग के फोनों में ऐसा हुआ है पहले भी और अभी दोबारा हो रहा है, तो सैमसंग कहीं ना कहीं चीज करता है। बाकी यहाँ पे जो कलर्स हैं वो भी इस बार चार आएंगे, तो S20 के अंदर भी हमारे को डिफरेंट कलर्स मिले थे और S20 FE के अंदर भी डिफरेंट मिलेंगे। अब बेसिकली कलर वाइज मैं बोल सकता हूँ हमारे को चॉइस अगर ज्यादा मिलती तो अच्छा लगता, और इधर भी थोड़े से अच्छे कलर्स लाइक लेवेंडर, ऑलिव, ये दो नए अलग कलर्स हैं, काफी अच्छे हैं, सटल कलर्स हैं, तो अच्छे लगते हैं। सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अब लाइक आप कह सकते हो रिजर्वेशन स्टार्ट हो गई है ₹1000 एंड आपको यहाँ पे स्मार्ट टैग जो है उसके साथ फ्री मिलेगा, तो ये एक अच्छी डील थी, लेकिन मुझे लाइक स्मार्ट टैग अराउंड 2700-2500 का अराउंड आता है। बाकी एक चीज यार मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लग रही वो ये है कि S20 FE के साथ जब बॉक्स आया था ना उसके अंदर हमारे को चार्जर मिल रहा था इंक्लूडेड, बट इस बार S21 FE के साथ चार्जर नहीं मिलेगा, वही पतला डब्बा हो जाएगा जैसे और कंपनीज कर रही हैं सेम। और ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि यार ये एज सच फ्लैगशिप फोन मैं नहीं कहूंगा इसको, तो फ्लैगशिप वाली चीजें लाइक क्या है, मतलब समझ नहीं आया मुझे। हल्का सा अगर भाई डब्बा बड़ा करके थोड़ा चार्जर दे देते हैं इंक्लूड को सही रहता, बट भाई इसमें चार्जर हमारे को नहीं मिलेगा, तो ये एक थोड़ा सा बमर है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा फिर पैसे देके चार्जर भी एडिशनली खरीदना पड़ेगा। शुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए तो उसका जो दाम है वैसे किफायती सा रहेगा नहीं फिर। अब इस वाली बात के ऊपर डिबेट एक पूरी छिड़ सकती है बिल्कुल ऐसे कि भाई आप कुछ बोलो मैं कुछ बोलूं, बट मैं एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं, सीपीयू प्रोसेसर जो है इस फोन का वो थोड़ा सा मैं अभी बिल्कुल श्योर नहीं हुई। बाहर जो फोन आया है जैसे सैमसंग जो करता है वैसे बाहर जो लॉन्च करा है अभी ये वो स्नैपड्रैगन 888 के साथ लॉन्च करा है, लेकिन इंडिया में भाई रिपोर्ट्स ये कह रही है कि एक्सिनोस 2100 के साथ ये लॉन्च करा जाएगा। अभी ये लाइक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर S20 FE को देखा जाए तो उसमें स्नैपड्रैगन 865 था, इंडिया में लॉन्च करा गया वो, और अगर वैसे देखो तो सैमसंग फ्लैगशिप फोन के साथ करता है, बाहर स्नैपड्रैगन देता है लाइक यूएस के अंदर, बाकी एशियन कंट्रीज के अंदर हमारे को एक्सिनोस मिलता है। तो अभी थोड़ा सा पेचीदा सा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, फिर ऐसे कमेंट्स के अंदर ऐसे युद्ध भी छिड़ सकता है, तो इसलिए उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे। स्नैपड्रैगन 888 को काफी ज्यादा लाइक कम फोन है जो अच्छे से चला पाए, क्योंकि वो लाइक प्रोसेसर थोड़ा सा ज्यादा हीट करता था, हीट तो करता ही था, तो इसलिए एक्सिनोस 2100 शायद ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे पता नहीं है अभी, मैं चला के देखूंगा जब भी बता पाऊंगा, बट ऐसे मतलब ऐसे बता रहा हूं, जब फोन आएगा हाथ में लेके फिर और ज्यादा अच्छे से बताएंगे। फोन के अंदर हमारे को वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगी IP68 की सर्टिफिकेशन के साथ, एंड उसके साथ यहां पे जो मॉडल्स हमारे को मिलेंगे इंडिया के अंदर वो दो होंगे, दोनों में सेम 8GB रैम होगी, लेकिन स्टोरेज यहां पे चेंज हो जाएगा, लाइक पहले में होगी 128 और दूसरे में 256GB, तो ये दो स्टोरेज मॉडल्स हैं। कैमरास की बात करें तो यहां पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा जो है 12MP का है, सेकंड 12MP का अल्ट्रा वाइड है, एंड उसके बाद 8MP का टेलीफोटो है। ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है पीछे की साइड में, एंड फ्रंट में यहां पे 32MP का सेल्फी कैमरा।
रहा है। तो ओवरऑल भाई देखो सैमसंग के कैमरा से मेरे को लाइक उम्मीदें रहती हैं, सही परफॉर्म करते हैं वो ज्यादातर। बाकी सिक्योरिटी वाइज इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, ओवरऑल सही है, मतलब साइड में साइड माउंटेड वाला नहीं दिया, अच्छा है। एंड 4500mAh की बैटरी है। बाकी देखो चार्जर बॉक्स के साथ नहीं आ रहा, तो वो एक थोड़ा सा बमर है जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग के अंदर। बाकी फोन जो है सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग 25W के चार्जर से, तो ये भी एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट है। बट चार्जर तो दिया बॉक्स पर, क्या करें। तो ओवरऑल जो मेरा पर्सपेक्टिव बन रहा है ना गैलेक्सी S21 FE को लेके, वो बहुत ही ज्यादा ऐसा आप कह सकते हो मजबूत सेट होता है। लेकिन मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड एक चीज के लिए हूं, ये कि ये फोन जब आएगा उसका प्राइस और प्राइस आने के बाद कितना कम होगा, वो एक बहुत बड़ी चीज होगी देखने के लिए। क्योंकि अभी S20 FE भी अराउंड 43-44 का मिलता है अगर आप लेने जाओ, तो ऑब्वियसली ये नया मॉडल है तो महंगा तो होगा ही। पर्सनली मैं अभी भी ये सोच रहा हूं कि जो S20 FE 5G वाला मॉडल है ना, वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग S21 FE लोगे या फिर S20 FE लोगे, काफी पेचीदा चीज है। बाकी फोन ओवरऑल हमें सारे टॉप ऑफ द लाइन के फीचर्स दे रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक चीज आपको बताई थी कि फरवरी के अंदर S22 लॉन्च हो रहा है और सैमसंग ने S21 FE जनवरी में लॉन्च करा है, और अगर ये फोन अराउंड 50 के आता है तो मेरे को ऐसा लग रहा है लाइक अंदर से ऐसे आ रही है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है कि जो S22 होगा वो भाई अराउंड 70 से स्टार्ट होगा, तो वो ज्यादा ही महंगा हो जाएगा इस बार। बट देखते हैं कैसा रहता है भाई S22 और S21 FE जब इंडिया में आ जाते हैं फाइनली, हाथ में लेकर आपको मस्त दिखाएंगे ताकि आप लोगों को भी मजा आए। तो बस अगर वाली वीडियो देखनी है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक करो वाली वीडियो को, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओ गाइस बाय बाय।